आज हम लोग वर्ल्ड मैपिंग देखेंगे। वर्ल्ड मैपिंग में देखने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ में कंटिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, आइलैंड हैं, द्वीप हैं, उनके लोकेशन और उनकी पोजीशन देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि कितने महाद्वीप हैं, कितने महाद्वीप हैं। तुम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये रहा अपना एशिया। यहाँ देखिए ये अपना एशिया, ये है एशिया। ठीक है, अभी हम लोग रफली देख रहे हैं, फिर डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ये एशिया, सो फिर यहाँ देखेंगे ये अफ्रीका। ठीक है, इतने से देखिए यूरोप, ये नॉर्थ अमेरिका, यहाँ तक नॉर्थ अमेरिका, फिर ये साउथ अमेरिका। नीचे पे आपको यहाँ मिलेगा अंटार्कटिका। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, जो है देखते चलेंगे अब। ठीक है, ये तो लोकेशन में देख लिए। ठीक है, अब लोकेशन में देखने के बाद इनकी पोजीशन क्या है। ठीक है, इनकी पोजीशन क्या है, तुम लोग पोजीशन देखते हैं। ठीक है, पहली पोजीशन जो क्षेत्रफल के अनुसार आती है, वो पहला पोजीशन आता है हमारा एशिया की। ठीक है, एशिया की पहले फर्स्ट पोजीशन आती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका आती है। ठीक है, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका। ठीक है, पांचवें पे अंटार्कटिका, और छठे पे यूरोप, और सातवें पे हमारा ऑस्ट्रेलिया आती है। ठीक है, देखिए अगर इसको याद करने की कोशिश करें। ठीक है, एक रफली व्यू ऐसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, एक रफली ऐसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, ऐसे ले लिया। ठीक है, ये पृथ्वी गोल है, हम लोग देखेंगे ऐसे, वन वन टू थ्री फोर फिफ्थ सिक्स सेवन, देख पा रहे हम यहाँ पे एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, आप लोग ऐसे पढ़ें। ठीक है, कि बाद में रिविज़न की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अभी जिनको कुछ नहीं आता है, ठीक है, उनको अच्छे समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि जो जिनको कुछ नहीं आता उनको अच्छे समझ में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जिसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है, जिस मेमोरी कार्ड में कुछ नहीं होता है उसमें आसानी से डाउनलोड होता है, बट जिसमें ज़्यादा वायरस होता है उसमें डाउनलोड में दिक्कत होता है। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन की बात, जिनको नहीं आता है कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, बस रहते बस पढ़ने टाइम एटलस रख जरूर रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें। इसमें देखने की कोशिश हम लोग ये करेंगे कि ये तो देख लीजिए पोजीशन और लोकेशन, अब इसमें हम लोग देखेंगे ओशियन, महासागर देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक इमेजिन यहाँ करेंगे। ठीक है, ये रहा अपना पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। ठीक है, ऐसे हमारा विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। ठीक है, पृथ्वी ऐसे राउंड है। ठीक है, अब यहाँ पे अब इमेजिन करेंगे, अब यहाँ इमेजिन कीजिए। ठीक है, ये पृथ्वी हमारा राउंड शेप में। ठीक है, तो इसी का जो लोकेशन दिखा दिया है, इसी का कैसे दिखाया है, पृथ्वी राउंड था बट इसको कैसे दिखाया है आप लोग यहाँ देखेंगे आप लोग, बट इसको ऐसे दिखा दिया। ठीक है, आप यहाँ देखिए, तो क्या लगता है यहाँ पे प्रशांत महासागर दो है, प्रशांत दो नहीं है। आप लोग जब पढ़ते होंगे तो कन्फ्यूजन आप लोग को भी बन रहा होगा कि प्रशांत दो हैं, प्रशांत दो नहीं है, प्रशांत एक ही है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दिख रहा है प्रशांत महासागर, ये वाली पार्ट प्रशांत महासागर है, प्रशांत। ठीक है, अब प्रशांत आपको यहाँ भी दिख रहा है पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो प्रशांत दो नहीं है, प्रशांत एक ही है। ठीक है, आप राउंड शेप में जब देखेंगे, हाँ,
अब ये राउंड शेप में ऐसे कर रहेगा, ठीक है। तो प्रशांत एक ही है, आपस में ऐसे राउंड है, ठीक है। इसको बस पेपर पे ऐसे दिखा दिया है ना। तो एक प्रशांत आधा इधर आ गया, आधा प्रशांत इधर आ गया, ठीक है। प्रशांत एक ही है, ठीक है। प्रशांत दो प्रशांत नहीं है, प्रशांत एक ही है, ठीक है। आपको ये समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है, कि पैसिफिक ओशन है, एक ही है, बट इसको जब डिवाइड किया है, इसको जब ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो दो भागों में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। बट ये दो नहीं है, सिंगल एक ही है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। ये हमारा पैसिफिक ओशन है, हमारा पैसिफिक ओशन है। ये हमारे यहाँ पे अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन का आप शेप दिख पा रहे हैं भाई, एस शेप का है, ठीक है। कौन सा है? अटलांटिक ओशन, ठीक है। कौन सा है आपका? अटलांटिक, ये आपका अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, ये आपका है इंडियन ओशियन। यहाँ पे इंडियन ओशियन मतलब ये आपका है हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। आप यहाँ गौर से देख पा रहे हैं कि इंडियन ओशियन का शेप कैसा है। इंडियन ओशियन का शेप जो है एम शेप का है, ऐसे, ठीक है। तो इंडियन ओशियन का शेप कैसा है? एम शेप का, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे बिल्कुल दिख नहीं रहा मैप में, बट यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आर्कटिक ओशियन, ठीक है। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक, यहाँ लिख देता हूँ आर्कटिक महासागर, ठीक है, आर्कटिक महासागर, ठीक है। यहाँ तो समझ गए होंगे, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग देख लिए, क्या क्या देखे हम लोग? प्रशांत महासागर, ठीक है। कौन सा? प्रशांत महासागर, जिसे कहते हैं पैसिफिक ओशन, ठीक है। एक चीज़ में रह गया कि प्रशांत महासागर का जो शेप है इसका, एक ट्रायंगल शेप है। कैसा है? ट्रायंगल शेप। प्रशांत का जो साइज है कैसा है? ट्रायंगल शेप में, इस तरीके, ठीक है। पैसिफिक ओशन का शेप कैसा है? ट्रायंगल शेप में, ठीक है। और ये साइज में सबसे बड़ा है, इसका जो प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा महासागर है, पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, ठीक है। अटलांटिक ओशन है, इसका एस आकार का शेप है, ठीक है। इंडियन ओशन है, इसका शेप क्या है? एम आकार का है, ठीक है। और जो इंडियन ओशन है, इसे अर्ध महासागर कहते हैं। क्यों कहते हैं? चूँकि इसके ऊपर, ठीक है, भूमि स्थल है, ठीक है, और नीचे में पूरा वाटर बॉडी है, ठीक है। ऊपर क्या है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऊपर वाटर नहीं है, क्या है? भूमि स्थल है, ठीक है। इसलिए इसको अर्ध महासागर कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आर्कटिक महासागर का, ये आर्कटिक की बात करते हैं। तो आर्कटिक क्या है? बिल्कुल ऊपर छिपा हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको छिपा हुआ महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? छिपा हुआ महासागर कहते हैं इसको, ये बिल्कुल छिपा हुआ, ठीक है। इसलिए इसको छिपा हुआ महासागर कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। और कोई कन्फ्यूज़न होगी तो इसमें क्लियर कर लेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूज़न है बताइए, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। इसमें अभी बार देख लीजिए, एक बार रिवाइज करा फिर देते हैं आप लोग को, ठीक है, कि इसमें हम लोग देखेंगे, ये रहा अपना इंडियन ओशन, ठीक है। इंडियन ओशन आपका ये रहा यहाँ पे, इंडियन ओशन, ठीक है। ये पैसिफिक ओशन इधर, ये भी पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन। इसमें हम लोग देख लिए थे कि जितने भी कॉन्टिनेंट थे और जितने भी ओशन हैं, जितने महासागर हैं और जितने महाद्वीप हैं, उनका लोकेशन, उनका पोजीशन देख लिए थे, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कि जितने महाद्वीप हैं, उनका कुछ ना कुछ एक विशेषता होगा, है ना, एक ना कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक होगा, है ना, कुछ ना कुछ इनकी खासियत होंगी, ठीक है। उनका खासियत है, उनका जो विशेषता है उनको ज़्यादा नहीं देख पाएंगे अभी, देखेंगे, बट थोड़ी थोड़ी इसको देख लेंगे, मतलब ओवरव्यू देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम लोग एशिया का, ठीक है। ये एशिया कॉन्टिनेंट जो अपना है, ये रहा, ठीक है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ
साउथ अमेरिका, और ये अपना ऑस्ट्रेलिया, और नीचे यहाँ पे अंटार्कटिका है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एशिया। एशिया ऑफ कोर्स बात है, तो ऐसे बहुत बड़ी महाद्वीप है ना। सबसे पहले हम लोग एशिया देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एशिया देखते हैं। ठीक है, तो एशिया की बात करते हैं फिलहाल भी हम लोग। ठीक है, चलिए एशिया महाद्वीप में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो एशिया का क्या इसका विशेषता है, ठीक है हम लोग देखते हैं। ठीक है, एशिया जो है, ठीक है, एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप को हम लोग कहते हैं सभ्यता का पालना। क्या कहते हैं? सभ्यता का पालना कहते हैं, सभ्यता का पालना। ठीक है, अब देखिए, आप सभ्यता का पालना कहते हैं तो कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा होगा क्यों कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, कि ये अपना, यहाँ देखिए, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये अपना यहाँ क्या है, ये इजिप्ट मिस्र यहाँ। ठीक है, तो ये मिस्र पड़ता है अफ्रीका में। ठीक है, बट इसका जो यहाँ से जो भाग है कुछ यहाँ से पढ़ना स्टार्ट हो जाता है इसका, मिस्र का, एशिया में। ठीक है, तो मिस्र का जो सभ्यता था कौन सी, आप लोग जानते होंगे कि मिस्र का जो सभ्यता था कौन सभ्यता था, मिस्र का जो सभ्यता था, मिस्र, ठीक है, तो मिस्र का सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता कौन सी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, पोटामिया की सभ्यता। ठीक है, तो मिस्र की, मेसोपोटामिया की सभ्यता पहला हो गया। ठीक है, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इस कारण से इसे एशिया का, ठीक है, एशिया का जो, एशिया को सभ्यता का पालना कहते हैं। ठीक है, और इसे बवाल का जड़ कहते हैं। ठीक है, एशिया को बवाल का जड़ कहते हैं। जितने सारे बवाल होते हैं, सारे बवाल नहीं होते, बवाल की जड़। ठीक है, क्यों कहते हैं, अब देख लो चाइना, ठीक है, चाइना हो, फिर पाकिस्तान है ना, जितने सारे हैं, फिर आप लोग देख लीजिए, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया है ना, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, पाकिस्तान ले लीजिए आप है ना, ईरान, इराक, बगदाद, सीरिया, इज़राइल, फिलिस्तीन, सारे, जॉर्डन, सारे इसी में होते हैं। ठीक है, इज़राइल, फिलिस्तीन, सारे ना, सब इसी बवाल का जड़ है, कुछ ना कुछ यहाँ पर बवाल होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए एशिया को बवाल का जड़ भी कहते हैं। ठीक है, हम लोग एशिया देख लिए। ठीक है, वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एशिया वाला आप आते हैं, दूसरा में पाता हमारा अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका, ठीक है, तो अफ्रीका क्या इसका है, ठीक है, विशेषता है, तो अफ्रीका हम लोग देखेंगे। ठीक है, अफ्रीका ना, अफ्रीका की बता रहा आपको, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसपे तीनों रेखाएं निकलती है, गुजरती है। कौन कौन से, आप यहाँ देखिए, ये आपका विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं इनसे गुजरती है। ठीक है, तीन रेखाएं इससे गुजरती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि अफ्रीका को क्या कहते हैं और इसे क्या विशेषता है। अफ्रीका ना बहुत गरीब देश, यहाँ पे जितने सारे देश हैं बहुत गरीब हैं। ठीक है, गरीब है। ठीक है, और क्या कि इसकी जो अर्थव्यवस्था है, इसकी डेवलपमेंट है, इसकी अर्थव्यवस्था है जो, अर्थव्यवस्था, ठीक है, और इसकी डेवलपमेंट, डेवलपमेंट भी जो है, मतलब इसका विकास बहुत स्लो है। क्या है? स्लो है, बहुत धीरे है। अर्थव्यवस्था भी बहुत स्लो है। ठीक है, इतना स्लो है, इतना गरीबी यहाँ पे भी है ना, और क्या है, यहाँ पे गरीबी है। ठीक है, इतनी गरीबी ही, और यहाँ की जो डेवलपमेंट है, विकास इतना स्लो है, जैसे एक अंधा व्यक्ति जितने धीरे धीरे चलता है ना, जितना धीरे एक अंधा व्यक्ति चलता है, जैसे एक अंधा व्यक्ति है, ठीक है, जितना अंधा व्यक्ति की गति होता है, धीरे धीरे चलता है, उस टाइप से, ठीक है, इसका अर्थव्यवस्था, इसका डेवलपमेंट है ना।
इसलिए इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध महाद्वीप कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको फिर देखेंगे आगे। इसमें आगे देखेंगे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, आते हैं हम लोग नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, इसमें इस महाद्वीप में एक खासियत है कि इसमें जितने सारे देश हैं, ठीक है, वो सारे समुद्री तटीय से क्षेत्र हैं। सारे देश सारे तटीय देश हैं। कौन सा है? तटीय देश है, मतलब समुद्र तट से घिरे हुए हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको तो हम लोग देखते हैं साउथ अमेरिका। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं हम लोग साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका में इसका विशेषता ये है कि साउथ अमेरिका को ना, साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है, इसे सांपों का देश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सांपों का देश कहते हैं, सांपों का देश कहते हैं। ठीक है, सांपों का देश क्यों कहते हैं? चूंकि यहाँ पे देखिए देखिए, जो साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है, इसमें एक देश है। कौन सा? ब्राज़ील। ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ पे ब्राज़ील है। ठीक है, ब्राज़ील में बहुत घना जंगल है। कौन सा जंगल है बताइए? अमेजन के जंगल। कौन से? अमेजन, अमेजन। ठीक है, अमेजन यहाँ जंगल है। ठीक है, ये इतने घने जंगल हैं, ठीक है, इतने घने जंगल हैं कि यहाँ पे सूर्य की किरणें यहाँ पे नहीं आती हैं, जमीन पे सूर्य की किरणें नहीं आती हैं। ठीक है, और ये इतना यहाँ पे घना जंगल है कि यहाँ पे बहुत सारे सांपों की प्रजाति, बहुत सारे सांप पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे सांपों का देश कहा जाता है। और यहाँ पे पक्षियों का रहने के लिए बहुत बड़ा आश्रय है, पक्षियाँ बहुत ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ रहती हैं। ठीक है, अब क्या कि यहाँ पे जंगल ज़्यादा है, सांप ज़्यादा है, पक्षियाँ ज़्यादा हैं, तो ऑफकोर्स ही बात है कि यहाँ का जो जंगल है, अमेजन की जो ये जंगल है, ये अपना जंगल है अमेजन के, ये दुनिया में, वर्ल्ड में दुनिया का 20% ऑक्सीजन अकेले ले देता है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन अकेले देता है। कौन? अमेजन के जंगल। इससे पता लगा सकते हैं, है ना? तो साउथ अमेरिका जो है, तो साउथ अमेरिका को हम लोग सांपों का देश कहते हैं, पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, सांपों का महाद्वीप कहते हैं, ठीक है, और पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं, पक्षियों का भी महाद्वीप कहते हैं, पक्षियों का महाद्वीप। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अंटार्कटिका। ठीक है, ये हमारा अंटार्कटिका था, ये यहाँ है अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका देखिए, अंटार्कटिका है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सफ़ेद महाद्वीप। क्या कहते हैं? सफ़ेद महाद्वीप, सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। किसे ढका हुआ है? बर्फ से। ठीक है, बर्फ से ढका हुआ कारण से इसे कहते हैं सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या कहते हैं? गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं, गतिशील महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, अब गतिशील क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि इस महाद्वीप क्या है, महाद्वीप जो है बर्फ से ढका हुआ है। बर्फ से ढके हुए कारण से ये बर्फ पिघल कर ये अपना गति में, अपना जो फिजिकल जो है, जो प्रेजेंट यहाँ पे, ये पिघल कर धीरे धीरे खिसक जा रही है। ठीक है, तो इसलिए से गतिशील कहते हैं, क्योंकि ये गति में है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं उसके बाद फिर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी को क्या कहते हैं, इसको मानव विहीन महाद्वीप कहते हैं। यहाँ पे मानव नहीं रहते हैं, मानव विहीन, मानव विहीन महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ मानव नहीं रहते इसलिए मानव विहीन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
विज्ञान को समर्पित, विज्ञान को समर्पित, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, चूंकि यहाँ पे मानव तो रहते नहीं हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इस महाद्वीप में बहुत सारे अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं, है ना, शोध संस्थान बनाए गए हैं, जो वैज्ञानिक यहाँ बैठकर वहाँ पे रिसर्च करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो महाद्वीप की खासियत है, इसका जो इम्पोर्टेंट मतलब इसका जो विशेषता है, यहाँ पे भूकंप नहीं आते हैं, यहाँ भूकंप नहीं आते हैं। ठीक है, क्यों नहीं आते हैं? चूंकि भूकंप आने के लिए आपस में दो प्लेट जब तक आपस में टकराएंगे नहीं, तब तक भूकंप आएंगे नहीं। ठीक है, आपस में दो प्लेट आपस में टकराएंगे तभी भूकंप आएगा, अगर नहीं टकराएंगे तो भूकंप नहीं आएगा। ठीक है, तो जो ये अपना अंटार्कटिक है ना, अंटार्कटिका है, महाद्वीप है, यहाँ इसके आसपास कोई प्लेट नहीं है, ठीक है, जिसके कारण से आपस में टकराएंगे नहीं, जिस कारण से यहाँ पे भूकंप नहीं आएंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसे ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं, ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं, इसे ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है, देखिए ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं। अब देखिए, मरुस्थल जो होता है टू टाइप का होता है, मरुस्थल जो होता है टू टाइप का होता है, जैसे मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल होता है दो टाइप का। ठीक है, एक पहला आपका हो गया, एक आपका हो गया मरुस्थल की बात करें तो, एक होता है ठंडा मरुस्थल, एक होता है गर्म मरुस्थल। ठीक है, जिसे शुष्क कहते हैं, शुष्क ठंड हो गया और एक गर्म उष्ण हो गया। ठीक है, तो ठंड में आता है जो बर्फ क्षेत्र होता है, ठीक है, जैसे हमारा लद्दाख का, लद्दाख का मरुस्थल हो गया, ठंड मरुस्थल हो गया, और हमारा थार का मरुस्थल हो गया, थार का मरुस्थल गर्म मरुस्थल है, थार मरुस्थल। ठीक है, तो मरुस्थल दो टाइप के होते हैं, एक गर्म होता है ठंड होता है, तो ठंड में लद्दाख के और थार का गर्म मरुस्थल। ठीक है, आप समझ गए होंगे, तो इसे ठंड मरुस्थल भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया, हम लोग कौन कौन से देख लिए, यहाँ देखिए हम लोग, ठीक है, हम लोग कौन कौन से देख लिए, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अब देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं, यूरोप। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यूरोप। ठीक है, यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है, यहाँ पे कोई रेगिस्तान नहीं है, यहाँ पे कोई रेगिस्तान, कोई मरुस्थल नहीं है, यहाँ पे कोई रेगिस्तान नहीं है, यहाँ पे कोई रेगिस्तान है ही नहीं। और बात करें इसकी डेवलपमेंट का, इसका डेवलपमेंट की बात करें तो ये सबसे विकसित महाद्वीप है। ठीक है, इसमें देखें यूरोप में, तो यूरोप में आता है तुर्की। ठीक है, तुर्की ऐसा देश है जो एशिया में भी आता है और यूरोप में आता है। ठीक है, तो यूरोप में जो आता है, तो यूरोप सबसे डेवलपमेंट है। ठीक है, और उसमें से ही सबसे जो गरीब है, सबसे गरीब है, सबसे पिछड़ा जो है तुर्की है। ठीक है, और तुर्की सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब है, जिस कारण से इसको क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं, तुर्की को यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, यूरोप का मरीज। ठीक है, तो यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तो तुर्की को कहते हैं, तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। ठीक है, आप तो समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, इसमें से रिवीजन करते हैं हम लोग कि जो हमारा एशिया है, ठीक है, एशिया है, इसे सभ्यता का पालना कहते हैं, बवाल का जड़ इसे कहते हैं। ठीक है, ये हो गया, आते हैं अफ्रीका में, अफ्रीका हमारा एक, यह हमारा अंध महाद्वीप है, गरीब है और मानव जाति का पालना। एक चीज़ इसमें बताना ने बताया हम कि ये हमारा जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप जो है, इसे मानव जाति का पालना भी कहते हैं, मानव जाति का पालना भी कहते हैं, मानव जाति का पालना। ठीक है,
तो इसका इतना है, ठीक है। इसका अर्थव्यवस्था स्लो है, इसका डेवलपमेंट स्लो है, गरीब है, इसलिए इसे आंध महाद्वीप कहते हैं, आर्य सभ्यता का मानव जाति का पालना भी कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें सभ्यता का पालना तो ऐसे भी कहते हैं, ठीक है। अगर मानव जाति का पालना अफ्रो कहते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में बात है कि यहाँ के जितने सारे देश हैं, ठीक है, इससे टोटल देश कितने आते हैं, इसमें नॉर्थ अमेरिका में 10 देश आते हैं, 10 देश आते हैं, 3 बड़े देश और 7 छोटे देश। मैं अब जब पहुँचूंगा उसे तो अलग बताऊंगा बाद में, ठीक है। फिलहाल अभी ओवरव्यू देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग कंटिनेंट वाइज, महाद्वीप वाइज अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे एशिया पढ़ेंगे, एशिया में जाएंगे तो एशिया का जितने सारे कुछ है एशिया का पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर अफ्रीका में आएंगे, नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सारे पढ़ेंगे डिटेल्स, ठीक है। अब आगे इसमें आते हैं हम लोग, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका को सांपों का देश कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ब्राज़ील का जो अमेजन जंगल है बहुत काफ़ी घना जंगल है। यहाँ का दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, मतलब 20% ऑक्सीजन दुनिया का यही देता है, ठीक है, अमेजन के जंगल। इसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है ना, अंटार्कटिका है वो, अंटार्कटिका को सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं, गतिशील महाद्वीप कहते हैं, ये मानव विहीन महाद्वीप है। इसे मानव को जो ये महाद्वीप है, मानव विहीन है, इसे मानव नहीं है, विज्ञान को समर्पित है, इस पे भूकंप आते नहीं है, ठीक है। इसे ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग यूरोप में। यूरोप है एक ऐसा महाद्वीप है, यहाँ पे कोई रेगिस्तान नहीं है, मरुस्थल यहाँ पे डिजर्ट नहीं है। इसका डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा फास्ट है। इस यूरोप में सबसे गरीब को कौन सा देश आता है, तुर्की, है ना। इसको तुर्की, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तुर्की कहते हैं, ठीक है। इतना हम लोग रिवाइज कर लिए, ठीक है। इतना रिवीजन कर लिए, अब नेक्स्ट बचा कौन सा बचा था, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये बच गया लास्ट, कौन सा बच गया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, ठीक है, हम लोग तो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। अब आप लोग बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नाम होगा या नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है क्या है, कैनबेरा, कैनबेरा है, ठीक है। अब बताइए, अगर ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है तो इसकी राजधानी कैनबेरा है, ठीक है। अब बताइए, क्या एशिया की राजधानी है, यूरोप का है, अफ्रीका का है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप की राजधानी है, नहीं है। तो फिर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैसे आ सकती है महाद्वीप का। ऑस्ट्रेलिया एक देश है, ऑस्ट्रेलिया एक देश है, ठीक है, ये महाद्वीप नहीं है, ठीक है। अब यहाँ आप लोग जान लेंगे, ठीक है। अब इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्यों कहते हैं, एग्जैक्ट जो नेमिंग है, नाम है, वो क्या है, ओसनिया, ओसनिया महाद्वीप, ओसनिया महाद्वीप, ठीक है। एग्जैक्ट नाम है क्या है, ओसनिया महाद्वीप, ठीक है। ओसनिया महाद्वीप के अंडर, ओसनिया महाद्वीप के अंडर 4 महाद्वीप आते हैं, 4 महाद्वीप नहीं, 4 द्वीप आते हैं, ठीक है। कौन कौन से आते हैं, पहला पहला आता है माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया, ठीक है। दूसरा, पहला हो गया, दूसरा मेलानेशिया, मेलानेशिया, ठीक है। तीसरा, तीसरा पॉलीनेशिया, पॉलीनेशिया, और चौथा आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, 4 द्वीप हैं। ये 4 क्या हैं, आइलैंड है,
आइलैंड, चार क्या है, द्वीप है। अभी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, द्वीप क्या है, महाद्वीप क्या है, ठीक है, सारे बता आगे बताएंगे हम, ठीक है, बट यहाँ समझ लीजिए, ठीक है, क्या है ये द्वीप आइलैंड है। अब ये सारे चार आइलैंड हैं, ठीक है, चार आइलैंड हैं, इनमें से सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। आप यहाँ समझिए, ठीक है, क्या होता है घर गांव में, ठीक है, अगर मान लीजिए एक फैमिली कोई है, ठीक है, एक मान लीजिए कोई फादर मदर है, ठीक है, फादर मदर, ठीक है, इनके चार बच्चे हैं, ठीक है, इनके कितने बच्चे हैं, चार बच्चे हैं, ठीक है, तो अगर मान लीजिए चार बच्चे हैं तो उनके बड़े बच्चे का अगर नाम मान लीजिए कुछ भी नाम मान लीजिए, ठीक है, फलना, कुछ भी नाम लें, फलना चिलना जो भी है, ठीक है, तो सबसे बड़े वाले जो बच्चे हैं इन्हीं के नाम पे इसके फादर मदर को जानते हैं, मम्मी पापा को जानते हैं, जैसे बोलते हैं फलना के मम्मी फलना के पापा, ठीक है, बड़े जो बच्चे होते हैं उनके नाम पे। इसी प्रकार यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, महाद्वीप नहीं द्वीप है, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये बड़ा होने के कारण से इसे ओशनिया ना कह के ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं, ठीक है, जो ऑफिशियली कहना सही नहीं है, ठीक है, इसका नाम एग्जैक्ट क्या है, ओशनिया, ठीक है, ये चारों हैं, है ना, ये चारों जो आइलैंड हैं, ठीक है, इनको मिलाने के बाद हम क्या कहते हैं, ओशनिया, इनको मिलाने के बाद इस इन्हें क्या कहते हैं, हम कहते हैं ओशिनिया, ओशिनिया महाद्वीप, ठीक है, अब तो समझ गए होंगे कि ओशिनिया महाद्वीप क्या है, ठीक है, ओशिनिया महाद्वीप के अंदर चार आइलैंड आते हैं, चार द्वीप आते हैं, ठीक है, माइक्रोनेशिया, मेलिनेशिया, पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, और इसी के नाम पे इसका नाम ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, इसमें और कोई नहीं है, ठीक है। इसमें जब हम लोग सात कंटिनेंट पढ़ लिए हम लोग, ठीक है, तो सात कंटिनेंट पढ़ने के बाद, ठीक है, एक कौन सा बचता है, एक बचता है जिलेंडिया, ठीक है, यहाँ पे था कौन सा, जिलेंडिया, ठीक है, तो जिलेंडिया फिलहाल वो डूब गया, कौन था, जिलेंडिया, जी लेंडिया, ठीक है, जिलेंडिया डूब गया, ठीक है, इसके डूबने के बाद है ना एक कौन सा आ गया है, न्यूजीलैंड, जिलेंडिया डूबने के बाद कौन सा आ गया है, न्यूजीलैंड, ठीक है, तो जिलेंडिया क्या हो गया, डूब गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग इसमें देख लेते हैं क्या क्या देख लेते हैं, हम लोग के ओशन देख लिए, कौन देख रहे थे, ओशन महासागर देख लिए थे, महासागर में हम लोग देख लिए थे कौन कौन से देखे थे, पैसिफिक ओशन, ठीक है, पैसिफिक ओशन मतलब प्रशांत महासागर, अटलांटिक देख लिए, फिर इंडियन ओशन देख लिए, और प्रशांत ये भी है, ये भी प्रशांत है, अब बता दिए थे प्रशांत दो नहीं है, प्रशांत एक ही है, ठीक है, बट इसका कुछ भाग यहाँ दिखा जा रहा है, इसका भाग यहाँ दिखा जा रहा है, ठीक है, जिसको अब जो राउंड शेप में लेंगे तो इसके एक ही भाग में आएंगे, एक ही में आएंगे, ठीक है, ऊपर में आ गया यहाँ पे आर्कटिक, ठीक है, जब इसको हम यहाँ पे अगर एक करेंगे, ठीक है, हम लोग देख लिए यहाँ पे, अब आगे आते हैं हम लोग, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे, कुछ यहाँ पे डिफिनेशन हम लोग जानते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पे हम लोग जाने की कोशिश करेंगे कि कुछ डिफिनेशन है, ठीक है, जो हम लोग आगे काम देगा, ठीक है, तो डिफिनेशन में क्या क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखिए डिफिनेशन में देखिए, सबसे पहले बात आता है कि प्रायद्वीप क्या है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप जिसे कहते हैं पेनिनसुला, पेनिनसुला, ठीक है, प्रायद्वीप को क्या कहते हैं, पेनिनसुला, ठीक है, और एक आता है, एक आता है
अंतरिप, क्या कहते हैं, अंतरिप, अंतरिप इसे इंग्लिश में कहते हैं कैप, CAP, कैप। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, पेनिनसुला क्या होता है, अंतरिप क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर ये छोटा रहा, देखिए ये छोटा है, ठीक है, और ये बड़ा है, अभी क्या है, तीन ओर से वाटर बॉडी हो, एक दो तीन, ठीक है, तीन ओर से वाटर बॉडी हो, है ना, और ये क्या है, भूमि स्थल है, ये क्या है, भूमि है, ठीक है, ये भी वो क्या हमारा भूमि है, ठीक है, और तीन तरफ से वाटर बॉडी हो, तीन तरफ से वाटर बॉडी हो, ठीक है। यहाँ देखिए, जब छोटा सेप हो, ठीक है, जब छोटा हो, तीन ओर से पानी से घिरा हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतरिप कहते हैं, इंग्लिश में उसे कैप कहते हैं, ठीक है। और वही अगर बड़ा सेप हो जाए, ठीक है, बड़ा सेप हो और तीन ओर से पानी से घिरा हो, ठीक है, वो कोई वाटर बॉडी, वाटर बॉडी से तीन ओर से घिरा हो, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप, इसे इंग्लिश में कहते हैं पेनिनसुला, तीन और पानी से घिरा हो, ठीक है, छोटा हो अंतरिप, बड़ा हो प्रायद्वीप, ठीक है, समझ में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अब लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा आप, देखिए ये एक से पे है, ठीक है, ए कोई समुद्र है, ठीक है, समुद्र से ए से पानी के लहरों से एक ऐसा शेप बन गया, ठीक है, शेप ये बना है कि एक कटिंग होके, ठीक है, इसके अंदर पानी घुस गया, ठीक है, समुद्र की लहरें से पानी ऐसे अंदर घुस गया और इसका शेप ऐसे बन गया, इसका पानी का शेप अंदर घुस गया और समुद्र की लहरों से इसका शेप ऐसे बन गया, मतलब इधर तीनों तरफ से क्या है, जमीन है, तीनों तरफ से क्या है, जमीन है, ठीक है, जस्ट प्रायद्वीप, और हम लोग प्रायद्वीप देखे थे और अंतरिप देखे थे, ठीक है, पेनिनसुला और कैप देखे थे, उसका अपोजिट है कि उसमें क्या था, उसमें हम लोग क्या देखे थे कि ए सेप था और तीन ओर से क्या था, वाटर बॉडी था, वाटर था ना, अब इसमें क्या है कि तीन ओर से भूमि है, ठीक है, तीन ओर से क्या है, इसमें भूमि है, जस्ट उसका अपोजिट है, ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, तीन ओर से भूमि स्थल से घिरा हुआ है और समुद्र के लहरों से एक बीच में कट कर ऐसे शेप हो गया, बीच में पानी अंदर घुस गया, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिक कहते हैं, CREC, क्रिक, ठीक है, क्रिक, क्रिक इसे हिंदी में कहते हैं सोता, हिंदी में कहते हैं इसको सोता, क्रिक, CREAK, क्रिक, ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल की बात करें हम, ठीक है, इसके एग्जांपल बात करें तो आप लोग नाम सुने होंगे सर क्रिक रेखा, कौन सा, सर क्रिक, ठीक है, सर क्रिक कहाँ पे, गुजरात में, कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है, ये पहला स्टेप हम लोग देखें, कौन सा देखें, क्रिक, हिंदी में कहते हैं सोता, ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगर इसी का शेप ये छोटा शेप था, ठीक है, एक क्या शेप था, छोटा शेप था, ठीक है, अगर इसी का ये बड़ा शेप हो जाए, अब ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे कि ये जो था, ठीक है, इसका बड़ा शेप हो जाए, ये तो उस टाइम छोटा था, अब इसका बड़ा शेप हो जाए, समुद्र की लहरें थोड़ा तेज आई, ठीक है, ये पार्ट छोटा था, इसको काट के बड़ा कर दिया, ठीक है, ये पानी है, ये पानी है, ठीक है, इस काट के बड़ा कर दिया, पहले क्रिक था, अब इसे काट करके बड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया, तो भी क्या बन गया हमारा, ये
गल्फ, क्या बन गया ऐसे, क्या कहते हैं हम लोग, गल्फ, GULF, गल्फ। गल्फ मतलब कहते हैं ऐसे खाड़ी, खाड़ी, ठीक है, आज समझ गए होंगे गल्फ मतलब क्या होता है, खाड़ी। देखिए गल्फ हो गया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज, ठीक है, ये गल्फ हो गया, ठीक है। अब गल्फ इतने बड़ी थी, अब इसे फिर जो समुद्र का जो जल है, महासागर का जो जल है, समुद्र का जल है, ये फिर इसको काट कर और बड़ा कर देता है, जो गल्फ था, गल्फ था, इसे और बड़ा कर दे, इमेजिन कीजिए जैसे कि इतना बड़ा हो जाए, ठीक है, इतना बड़ा काट के और बड़ा कर दे, ठीक है, और इसके अंदर पानी, वाटर, ठीक है, ध्यान देंगे इधर तीन तरफ जो है वो भूमि स्थल है, इधर तीन तरफ क्या है, भूमि है, ठीक है, तीन और भूमि है, और बीच में क्या है, पानी है, ठीक है। तो इसे गल्फ था, गल्फ को काट के जब बड़ा कर दिया पानी ने, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बे बन गया, क्या बन गया, बे, BAY, बे। बे का हिंदी भी क्या होता है, खाड़ी होता है, बे का हिंदी भी खाड़ी होता है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि गल्फ मतलब भी खाड़ी होता है, बे मतलब भी खाड़ी होता है, बट इसमें ये है हिंदी दोनों का खाड़ी ही होता है, ठीक है, हिंदी में दोनों का खाड़ी होता है, लेकिन बे होता है बड़ा और गल्फ होता है छोटा, ठीक है। बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल आप लोग सुने होंगे, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, जो क्या है वो बड़ा है, बे ऑफ बंगाल क्या है, बड़ा है। मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, अब एग्जांपल से ज़्यादा समझेंगे, ठीक है, जैसे मैक्सिको है, ठीक है, मैक्सिको, मैक्सिको, ठीक है, तो मैक्सिको क्या है, एक छोटी खाड़ी है, मैक्सिको एक छोटी खाड़ी है, ठीक है, ये क्या है, मैक्सिको के गल्फ, क्या, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, और ये हमारा जो है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल और मैक्सिको की खाड़ी। आप समझ गए होंगे कि गल्फ क्या है, आप बंगाल, बे क्या है और गल्फ क्या है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक मिनट फिर से, अगर छोटा है क्रिक, ये बड़ा हो गया गल्फ, गल्फ बड़ा हुआ बे, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया, नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि बे था, बे है, अब बे था उसे भी काट के अगर ये जल, इसे पानी, इसे अर्धचंद्राकार बना दें, चंद्राकार बना दें ऐसे, और यहाँ पे पानी, ठीक है, ये चंद्राकार बना दें ऐसे, ठीक है, इसे चंद्राकार बना दें, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम लोग, बाइट कहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में कहते हैं बाइट, हिंदी में भी इसे बाइट कहते हैं और इंग्लिश में भी बाइट कहते हैं, BIGHT, बाइट, ठीक है, बाइट कहते हैं, ठीक है। अब बाइट एग्जांपल किसके अगर लें हम, ठीक है, तो बाइट की एग्जांपल है, तो जैसे बेनिन बाइट, क्या लेते हैं, बेनिन बाइट, बेनिन बाइट, ठीक है, तो बेनिन बाइट क्या होता है, ठीक है, तो बेनिन बाइट क्या है कि आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, जो अपना ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, यहाँ देखिए दिखा रहे हैं, ये अपना ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में देखिए यहाँ पे ए चंद्राकार है, ये है, ये हमारा बाइट है, क्या इसको कहेंगे हम लोग, बाइट कहेंगे, ठीक है, अब समझ गए होंगे कि बाइट क्या है, ठीक है, बाइट क्या है, ठीक है, आगे हम लोग आते हैं, ठीक है, बाइट भी देख लिया हम लोग,
ठीक है, बाइट है। अब बाइट का सेप हम लोग आगे देखते हैं। पानी तो हो गया अर्धचंद्रकार में, ठीक है, बाइट हो गया। अब बाइट होने के बाद हो गया, अब फिर इसको जल जो है इसको था, अब फिर इसको फिर काट देगा, ठीक है। तो इसका सेप ऐसे बन जाएगा, ठीक है, जो था ऐसे काट देगा, ठीक है। तो इसका सेप ऐसे हो जाएगा, पानी इसके अंदर हो गया, ठीक है, इसको सेप कट गया, काट दिया, ऐसे हो गया, ठीक है। तो ऐसे कटने बाद इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग बीच कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, बीच, BACH, बीच। बीच तट कहेंगे, या फिर इसे कहते हैं हम लोग पुलिन कहते हैं, तट या पुलिन कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एग्जांपल लेने के बाद कुछ ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम लोग लें, ठीक है, जैसे गोवा वाले बीच पे गाना रखा है, ठीक है, गोवा वाले बीच पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, गोवा का दो फेमस बीच है, ठीक है, गोवा का दो फेमस बीच है, ठीक है। कौन कौन से बीच हैं यहाँ देखिए, गोवा का दो फेमस बीच हैं, कौन कौन से हैं, गोवा का दो फेमस बीच है। पहला कौन सा है, कैंडोलिन बीच। कौन सा बीच है, कैंडोलिन, कैंडोलिन बीच, बीच, ठीक है। और दूसरा जो है बाघा बीच। दूसरा कौन सा बीच है, बाघा बीच, ठीक है। ये गोवा का दो फेमस बीच है, ठीक है, कैंडोलिन बीच और बाघा बीच। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए और बीच की बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जैसे मरियाना बीच, मरियाना बीच, मरियाना बीच कहाँ है, मरियाना बीच, मरियाना बीच आपका चेन्नई में, मरियाना बीच कहाँ पे है, चेन्नई में, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर मुंबई में बात करें, मुंबई में कौन सा बीच है, जुहू चंपाटी, जुहू चंपाटी, जुहू चंपाटी बीच, ठीक है। ये जुहू चंपाटी बीच कहाँ है, मुंबई में, ठीक है। तो ये बीच हम लोग देख लिए, ठीक है, तट पुलिन बीच हम लोग देख लिए, ये क्या है, ठीक है। अब देखिए ये बीच का सेप था, ठीक है। अब बीच का फिर इसमें अगर जो जल था, पानी था, ठीक है, इसको फिर कटिंग कर दे ऐसे, ठीक, कैसे करें कटिंग, देखिए अब क्या है कि इसका सेप ऐसे काट दे, ठीक है, पहले नॉर्मल ऐसे था, ठीक है। अब क्या होगा कि पानी से फिर साइड साइड से कटिंग कर दें, ठीक है, साइड साइड से पानी कटिंग कर दें। तो पानी इधर से, पानी है, ठीक है, पानी है, ये पानी है, ये पानी है, ठीक है, तीनों ओर से पानी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, पहले ये क्या था, बीच था, ठीक है। अब क्या हुआ, बीच था तो यहाँ पे दोनों ओर से, ठीक है, दोनों ओर से क्या हुआ, ये इसका सेप ऐसे हो गया, ठीक है। कैसे हो गया, चूँकि पानी जो ऐसे बीच में ऐसे था, ठीक है, अब एक कटिंग हो कर करके ऐसे उसे साइड साइड से करके इधर हो गया, ठीक है, हमारा भूमि हो गया, ठीक है। तो इसको ऐसे किया था, ठीक है, इसको बिठा देते हैं, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ हो गया, बीच हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसका सेप आप देख लीजिए, आपको बताए थे पेनिनसुला प्रायद्वीप, तो ये हमारा कौन सा बन गया, हमारा ये प्रायद्वीप बन गया, प्रायद्वीप जो आप लोग बताए थे पेनिनसुला स्टार्टिंग में, पेनिनसुला, ठीक है, ये बन गया हमारा पेनिनसुला, ठीक है। समझ आ रहा है कैसे बन रहा है, ठीक है। फिर ये बड़ा है भूमि के, वो एक भूमि है और बड़ा है और तीन ओर से पानी है, तुम्हारा ये प्रायद्वीप हो गया, पेनिनसुला हो गया, ठीक है। इसको समुद्र के जल के द्वारा और कटिंग अगर होगा तो इसका सेप क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बता चुके थे कि अगर इसका सेप छोटा हो जाए, प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप से इसका सेप छोटा हो जाए, ठीक है, इसका सेप क्या हो जाएगा, छोटा, देखिए बिल्कुल छोटा, ठीक है। तो ये हमारा तीन ओर से पानी घिरा हुआ,
ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा ये बन जाएगा अंतरिप, क्या बनेगा, गुड अंतरिप, ये बन जाएगा अंतरिप, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, केप कहते हैं। ठीक है, केप अंतरिप बन गया। अब देखिए क्या होगा, अब ये देखिए इसका नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, केप बन गया। ठीक है, आप ध्यान यहाँ देंगे, ठीक है, एक केप था, तीन ओर से पानी घिरा हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ कि घिरा हुआ पानी, ठीक है, अब यहाँ देखिए ये पानी जो है ना, ये पानी के इधर से आएगा और इधर से आएगा। ठीक है, दोनों ओर से जोर लगाएगा तो पानी बिल्कुल इधर पानी आ जाएगा, पानी यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे से पानी यहाँ आएगा। ठीक है, और पानी आएगा तो बिल्कुल इधर से मुड़ जाएगा। अब क्या होगा, मुड़ने के बाद क्या होगा, ये जो है ये क्या है, ये बिल्कुल ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट ये गलत कर दें, इसको ना वाइट नहीं होना चाहिए, इसको ब्लैक करते हैं। ये क्या होगा, ये पूरा ज़मीन है, ठीक है, भूमि स्थल है, और पानी तीन ओर से पानी आ गया। ठीक है, पानी तीन ओर से घेर लिया इसको, ठीक है, पानी तीन ओर से घेर लिया, ठीक है, तीन ओर पानी से घेर लिया। ठीक है, अब ये क्या बन गया, एक द्वीप बन गया। अब ध्यान देंगे आप लोग, तो क्या बन गया, एक द्वीप बन गया। ठीक है, द्वीप कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, आइलैंड। ठीक है, क्या बन गया, ये आइलैंड बन गया। ठीक है, एक आइलैंड बन गया। ठीक है, आइलैंड बन गया। जैसे आइलैंड की बात करें, ठीक है, तो बहुत सारे आइलैंड हैं। ठीक है, जैसे इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में 13,000 से अधिक आइलैंड है, 13,000 से अधिक आइलैंड द्वीप हैं। ठीक है, तो ये आइलैंड हो गया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे, ये आइलैंड था। ठीक है, आइलैंड के बाद अगर ये पानी, क्या देखिए, ये हमारा आइलैंड था। ठीक है, ये क्या है, आइलैंड, ये है आइलैंड। तो आइलैंड में ये क्या है कि ये यहाँ पे भूमि स्थल है और चारों तरफ से क्या है, पानी है, चारों तरफ से पानी है। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, कि ये सारे जो पानी है, ठीक है, पानी बिल्कुल चारों तरफ से आ जाएगा, बिल्कुल पानी जो है पूरा घेर लेगा, पूरा पानी, पूरा पानी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, क्या होगा, पूरा समुद्र बन जाएगा, क्या होगा, ये पूरा बिल्कुल समुद्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, समुद्र। ठीक है, समुद्र, महासागर। ठीक है, महासागर में मिल जाएगा, महासागर, ओशन, ओशन। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे और कहाँ पहुँच चुके हैं। ठीक है, हम लोग अगर स्टार्ट किए थे, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ठीक है, स्टार्ट किए थे हम लोग कहाँ से, एक स्टार्ट किए थे हम लोग क्रिक से। ठीक है, क्रिक से चले थे हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ से क्रिक था। ठीक है, हम लोग देखे थे क्रिक। ठीक है, क्रिक के बाद हम लोग आए कहाँ पे, गल्फ, गल्फ के बाद आए थे बे, बे के बाद हम लोग पहुँच के बाइट, बाइट के बाद बीच, बीच के बाद हम लोग आ गए पेनिनसुला, पेनिनसुला के बाद अब आ गए कैप, कैप के बाद आ गए हम लोग आइलैंड, आइलैंड के बाद पहुँचे हम लोग ओशियन, सागर, महासागर में पहुँच गए हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होगी। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बड़े सब लोग बता दिए, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्या आइलैंड क्या है। ठीक है, इसमें एक चीज़ आप बता देते हैं। ठीक है, यहाँ तो आप लोग समझ गए होंगे कि आइलैंड क्या है, आप यहाँ समझ गए कि आइलैंड क्या है। ठीक है, समझ गए आइलैंड। ठीक है, आइलैंड क्या है। ठीक है, और आइलैंड के, आइलैंड है और कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, आइलैंड क्या है, कॉन्टिनेंट क्या है। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइलैंड क्या होता है, आइलैंड होता है कि एक
भूमि स्थल, एक भूमि है ठीक है, और चारों तरफ से क्या हो, पानी हो, चारों तरफ से एक पानी हो, ठीक है ठीक है। ये पानी है ठीक है, मतलब महासागर, महासागर के बीच का वारा स्थल जो जमीन हो और चारों तरफ से पानी घिरा हो, ठीक है। मतलब कहने मतलब है लैंड मास, एक छोट लैंड मास और चारों तरफ से पानी से घिरा हो, ठीक है, वो कहलाता है हमारा आइलैंड, जिसे कहते हैं हम लोग द्वीप, ठीक है। ये छोटा हुआ, अगर वही लैंड मास बड़ा हो, लैंड मास क्या हो, बड़ा हो, लैंड मास अपना क्या हो, बड़ा हो, ठीक है, ये क्या है, बड़ा, ठीक है, लैंड मास क्या है, बड़ा हो, ठीक है, और चारों तरफ से पानी से घिरा हो, ठीक है, चारों तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हो, वो क्या कहलाता है, महाद्वीप कहलाता, वो क्या कहलाता है, महाद्वीप कहलाता, ठीक है, जिसे कहते हैं हम लोग कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आइलैंड क्या है ठीक है, और कॉन्टिनेंट क्या है, ठीक है। कॉन्टिनेंट के बाद हम लोग फिर क्या देखते हैं, सब कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के बाद हम लोग क्या देखते हैं, सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, कॉन्टिनेंट के बाद हम लोग क्या देखते हैं, सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, तो सब कॉन्टिनेंट यहाँ पे देखिए, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि सब कॉन्टिनेंट किसे कहेंगे, ठीक है। महाद्वीप का वह भाग, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे ठीक है, महाद्वीप का वह भाग, ठीक है, जो पर्वत के द्वारा अलग कर दिया जाता है, ठीक है, महाद्वीप मान लीजिए एक कोई महाद्वीप है, ठीक है, और कोई एक पर्वत के द्वारा, मान लीजिए कोई एक पर्वत है, एक पर्वत इधर से निकला है, कोई पर्वत इधर से निकला है, ठीक है, पर्वत हो गया। अब ये पर्वत से ये कोई देश है, कुछ देश यहाँ पे हैं, देश हैं, तो इस देश को पर्वत के द्वारा अलग कर दिया जाता है, तो हमारा कहलाएगा सब कॉन्टिनेंट, उप महाद्वीप। जैसे समझने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग क्या लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि क्या है। अब देखिए ये मैप निकालता हूँ मैं, मैप में कुछ ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, बिना मैप के भी देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे सपोज दैट हम लोग देख लेते हैं, चलिए ये हमारा कॉन्टिनेंट, ठीक है, यहाँ देखिए ये है, ठीक है, छोड़िए इसको नहीं लेते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए ये, अगर बात करें हम लोग इंडिया, देखिए इस मैप में आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा पाकिस्तान, यहाँ है पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान, ये है, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान अफगानिस्तान, अफगानिस्तान यहाँ है, तो यहाँ से एक पर्वत निकला है जो यहाँ तक गया है, ठीक है, ऊपर यहाँ पे जम्मू कश्मीर के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, तो एक यहाँ पर्वत क्या है, कौन सा पर्वत, इसका नाम बता सकते हैं आप लोग, कौन सा पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत, अफगानिस्तान से यहाँ से कौन सा पर्वत गया है, हिंदू कुश पर्वत, ठीक है। उसी प्रकार एक हिमालय है अपना, ठीक है, जो हिमालय है जो नेपाल से, तो इधर से नेपाल तरफ से बिल्कुल ये हिमालय बिल्कुल यहाँ तक गया है, जो आंध्र प्रदेश तक, ठीक है, आंध्र प्रदेश से यहाँ पे, आंध्र प्रदेश नहीं अरुणाचल प्रदेश सॉरी, है ना, यहाँ तक गया है, ठीक है। और फिर यहाँ म्यांमार है, म्यांमार से यहाँ से ये बिल्कुल यहाँ म्यांमार से अलग हो गया, तो यहाँ पे म्यांमार में कौन सा है, यारा काम योमा, ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे
ये कौन सा पर्वत है? हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत। ठीक है, ये आपका हो गया हिमालय, ये आपका हिमालय। ठीक है, और ये आपका हो गया याराकाम, याराकाम योमा पर्वत। ठीक है, तो देखिए ये इंडिया है, ठीक है, और इंडिया है तो इंडिया के पास में कौन सा? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये चारों मतलब कितने देश हो गए? पांच देश। ये पांच देश हैं, ये तीन पर्वतों से बिल्कुल डिफरेंट हो गए। ठीक है, आप यहाँ देखिए, देख पा रहे हो यहाँ पे? देखिए, हम आपको बता चुके थे उसी टाइम कि ये हमारा एशिया है। ठीक है, ये हमारा एशिया, ठीक है, एशिया महाद्वीप है। तो एशिया में देखिए कि ये बिल्कुल तीन पर्वतों के द्वारा ये बिल्कुल अलग हो जा रहा है। ठीक है, एशिया एक महाद्वीप है। ठीक है, महाद्वीप में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि तीनों ओर देखिए कौन कौन, हिंदुकुश पर्वत अफगानिस्तान से धस गया है, ठीक है, और ये हिमालय पर्वत और ये याराकानियोमा। ठीक है, तीनों पर्वत के द्वारा फिर देखिए ये दो पर्वत है ना, हिमालय और यहाँ पे हिंदुकुश पर्वत। ठीक है, आपस में यहाँ कहाँ मिलते हैं? पामीर का पठार, जो चाइना में यहाँ पर सामने पड़ जाता है, चाइना, यहाँ पे पामीर का पठार सबसे ऊंची पठार है। ठीक है, सबसे ऊंची पठार है पामीर का पठार। ठीक है, आपस में मिलती है यहाँ पे। तो देखिए ये तीनों पर्वत बिल्कुल अलग कर दे रहे हैं इस महाद्वीप से, इसके अलग कर दे रहे हैं, इसलिए से क्या कहते हैं हम लोग, उप महाद्वीप। ठीक है, भारतीय उप महाद्वीप कहते हैं, है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंडर में देखिए अब यहाँ पे हम लोग देख रहे थे। ठीक है, कहाँ देख रहे थे हम लोग? यहाँ देखिए, ये नहीं था, कहाँ गया? इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसमें था, कहाँ गया? अच्छा, कोई बात नहीं, इसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, हम लोग कॉन्टिनेंट देख लेते हैं, सब कॉन्टिनेंट देख लेते हैं। ठीक है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप लोग यहाँ देखेंगे, मैप यहाँ खुद देख लीजिए, मैप में देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से देश आ रहे हैं? ठीक है, अब इसे बोलेंगे कि नहीं श्रीलंका, श्रीलंका नहीं आएगा, ये वाटर बॉडी से अलग हो जा रहा है, ठीक, श्रीलंका नहीं आएगा। ठीक है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पांच देश आएंगे। ठीक है, कौन कौन आएंगे? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, कौन आएगा? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। एक, दो, तीन, चार, पांच, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पांच देश आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों है? क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि अफगानिस्तान से इधर से हिंदू कुश पर्वत, यहाँ से नेपाल के इधर से चाइना के इधर तक पूरा हिमालय, और इधर याराकान योमा पर्वत जो ये म्यांमार तरफ है। ठीक है, और देखिए यहाँ तीनों तरफ से जल से अलग है, समुद्री रास्ते, समुद्री समुद्र से, तो बिल्कुल ये डिफरेंट, बिल्कुल अलग हो जा रहा है इस महाद्वीप से, बिल्कुल अलग हो जा रहा है, इसलिए इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, भारतीय उप महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, और भारतीय उप महाद्वीप में पांच देश आते हैं। ठीक है, कौन कौन आते हैं?
भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये पांच देश आते हैं। ठीक है, जैसे कि देश आते हैं, पांच देश आते हैं। ठीक है, अब हम लोग कितना देख लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्पेसिफिक अलग अलग कंटिनेंट, स्पेशल कंटिनेंट उठाएंगे। ठीक है, और कंटिनेंट उठाने के बाद उसका अलग से विशेष विस्तार से उसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग अपने देखते हैं एशिया महाद्वीप, हम लोग देखेंगे कहाँ पे एशिया महाद्वीप देखेंगे हम लोग। ठीक है, एशिया महाद्वीप देखने से पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमारा एशिया है यूरोप से, अफ्रीका से अलग होता है। ठीक है, अब कैसे अलग होता है वो हम लोग देख लेंगे। जैसे हमारा एशिया है, ठीक है, तो एशिया यूरोप से कैसे अलग होता है। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे एशिया यूरोप से कैसे अलग होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे इसे जूम करता हूँ, ऐसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसे अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एशिया से यूरोप कैसे अलग होता है। ठीक है, कैसे कैसे से यहाँ से एशिया से यूरोप अलग होता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये अपना रूस है। ठीक है, कौन सा है, ये रूस है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे इस मैप में क्लियर दिया नहीं है, बट यहाँ पे ये पता है ये कौन सा सागर है, ये है हमारा कारा सागर, ये हमारा यहाँ पे है कारा सागर, ये लाइन थोड़ा छोटा ले, ये इसे कहते हैं कारा सी। ठीक है, ये कारा सी है। ठीक है, अब एक कारा सी के सामने से, जस्ट ये कारा सी है, यहाँ से आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो ये देखिए लाइन में बाउंड्री जो ले रहा हूँ, ठीक है, कारा सी से ये कजाकिस्तान यहाँ है। ठीक है, कारा सी के सामने ये कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान के जस्ट यहाँ तक आएगा ये लाइन जो है, ये बिल्कुल ये यहाँ तक आएगा, फिर ऐसे यू यहाँ पे मिल जाएगा यूराल पर्वत। ठीक है, यूराल पर्वत से ये ऐसे आएगा यहाँ पे। ठीक है, यूराल पर्वत से यहाँ आएगा ये, और देखिए ये यहाँ मिल जाएगा। एक मिनट, सही नहीं बन पाया, फिर से लेता हूँ। अब यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे बताए थे हम लोग, अभी बताए थे यहाँ कारा सागर है, कारा सी यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से ए गुजरता है, यहाँ से यूराल पर्वत, यूराल पर्वत गुजरता है, तो यहाँ पे हमारा कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान सामने यहाँ पे आएगा, फिर कजाकिस्तान सामने यहाँ पे मिलता है कौन सा, यूराल नदी, यूराल नदी मिल जाती है यहाँ पे, कजाकिस्तान में मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा तो सा इसे जूम कर लेता हूँ। ठीक है, जूम करते हैं उसे, यहाँ आ गया। ठीक है, कजाकिस्तान यहाँ यूराल, ये कजाकिस्तान के बाउंड्री के साथ यहाँ पे आता है, फिर आता है कैस्पियन सी। ठीक है, कैस्पियन सागर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो दिख रहा है आपको ये ब्लू कलर का, ये हमारा कैस्पियन सागर है, ये हमारा कैस्पियन सागर है। ठीक है, तो कैस्पियन सागर के बाउंड्री पे यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ आने के बाद, ठीक है, यहाँ आने के बाद यहाँ पे आता है काकेशस पर्वत। ठीक है, काकेशस पर्वत, ठीक है, काकेशस पर्वत के अंडर बताएंगे यहाँ काकेकस, काकेकस जो देश आते हैं उसमें तीन देश आते हैं, है ना, काकेकस में तीन देश आते हैं। ठीक है, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, यहाँ तीन देश हैं। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कैस्पियन सागर के जस्ट बगल में यहाँ पे हमारा है अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान इसके जस्ट बगल में जॉर्जिया, यहाँ पे आपका आर्मेनिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों देश यहाँ पड़ते हैं काकेकस, काकेकस पर्वत यहाँ पे। ठीक है, तो काकेकस पर्वत यहाँ के बाद फिर ये यहाँ हो गया। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे अर्मेनिया लिखा था, अर्मेनिया यहाँ नहीं है, अर्मेनिया यहाँ पे है, बट ये ब्लू कलर का दिख रहा है। ये क्या कौन सा है? ये हमारा ब्लैक सी है, आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारा ब्लैक सी है, ठीक है। तो ब्लैक सी के इधर से तुर्की हो गया, तुर्की कुछ भाग जाएगा उसमें, इस्तांबुल जाएगा, रूस में जाएगा, नहीं रूस नहीं, यूरोप में जाएगा, ठीक है। अब तुर्की के साथ इधर से फिर ये, ठीक है, आप देख पा रहेंगे तुर्की हो गया, तुर्की बाद इधर साइप्रस, ठीक है, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इसराइल, जॉर्डन, है ना, फिर इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट के बाद, इजिप्ट को कहते हैं हम लोग मिस्र कहते हैं, ठीक है, इजिप्ट को हम लोग कहते हैं मिस्र कहते हैं, ठीक है। तो इजिप्ट का कुछ भाग जो है, ठीक है, ये आ जाता है हमारा एशिया में, मिस्र में, मिस्र का जो भाग है ये एशिया में। अब इसका कुछ भाग इधर आता है, जो छोटा सा भाग आता है वो होता है सिनाई प्रांत, ठीक है। अब यहाँ बीच में देखिए, ये हमारा है रेड सी, ये हमारा लाल सागर, ठीक है, लाल सागर। फिर यहाँ लाल सागर जस्ट यहाँ बगल में आपका बना हुआ है स्वेज नहर, ठीक है, और स्वेज नहर हो गया, ये हमारा लाल सागर हो गया इधर से, ठीक है, ये यमन, यमान, ठीक है। इसके बाद ये इधर का जितने पूर्वी भाग हैं, ठीक है, सारे हमारे आते हैं एशिया में। कहाँ तक आते हैं एशिया में? तो देखिए ये हमारा इंडिया हो गया, इंडिया, ठीक है, यहाँ देखिए इंडिया हो गया, ये इतना सारा लेश, तिमोर, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारा इसमें आता है हमारा एशिया में, हमारा सब आता है एशिया में, ठीक है। अब देखिए एशिया को यूरोप से क्या अलग करता, ठीक है, अभी आप लोग को बता दिए थे, ये जो है ना कारासी है, कौन सा है? कारासी, कारा, KARA, कारा सी, ये कारा सी है, ठीक है। इधर तो आर्कटिक है बट यहाँ पे कारा सी है, यहाँ ये बात, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं यूरोप और एशिया, ठीक है, यूरोप और एशिया ये फिजिकली अलग नहीं है, ठीक है, बट क्या है कि ये फिजिकली अलग नहीं, एक ही प्लेट पे अवस्थित है, बट इनका कल्चर जो है अलग अलग डिफरेंट है, ठीक है। ये देखिए इधर से, इधर का जो पूर्वी भाग है बिल्कुल रूस, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा रूस फैला हुआ है, यहाँ तक रूस, बट रूस का यूराल पर्वत है, ये यूराल पर्वत से यूरोप एशिया से अलग होता है, यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत से अलग होता है, ठीक है, यूराल पर्वत से अलग होता है, ठीक है, यूरोप एशिया से यूराल पर्वत से अलग होता है। अभी यहाँ देखिए ये हमारा है यूराल पर्वत, ठीक है, यहाँ तक आ गया यूराल पर्वत, फिर यूराल पर्वत के बाद यहाँ पे मिल जाता है यूराल नदी, ठीक है, यूराल नदी ये यहाँ आके भी आता है कैस्पियन सागर, फिर यहाँ, फिर कैस्पियन सागर यहाँ पे इसका बॉर्डर मिल जाता है, ठीक है। कैस्पियन सागर के बाद ये हमारा पड़ता है काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत, फिर ये तुर्की, ठीक है, तुर्की के बाद फिर यहाँ आप देखेंगे तुर्की के बाद फिर इसराइल, इसराइल, साइप्रस, ठीक है, लेबनान, इसराइल, जॉर्डन, ठीक है, फिर यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे आप इजिप्ट, मिस्र, मिस्र में यहाँ का है स्वेज नहर, ठीक है, फिर रेड सी, ठीक है, फिर रेड सी इधर, फिर ठीक है, इसका डिटेल हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब रेड सी से हम लोग आएंगे तो रेड सी में हम लोग जो यहाँ पे जल सन्धि देख लेंगे, ठीक है, और कौन कौन सी खाड़ी हैं, ठीक है, तो इसको तो डिवाइड देख लिए कैसे कैसे डिवाइड क्या हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले किससे अलग होता है, ठीक है, यूराल पर्वत, सबसे पहले यूराल पर्वत, यूराल नदी, यूराल पर्वत, यूराल नदी, ठीक है, यूराल पर्वत, यूराल नदी, उसके बाद यहाँ देखिए ये यूराल पर्वत यहाँ हो गया, यूराल पर्वत, यूराल नदी, उसके बाद कैस्पियन सी, कैस्पियन सी, उसके बाद काकेशस पर्वत, ठीक है, यहाँ देखिए हम लोग देखते हैं यूरोप जो है एशिया से अलग होता है, ठीक है, कैसे कैसे अलग होता है। सबसे पहले हम लोग अलग कैसे करते हैं, हम लोग यूराल पर्वत, यूराल पर्वत,
ठीक है। उसके बाद फिर यूराल नदी, यूराल नदी, इससे अलग होने के बाद, यूराल पर्वत, यूराल नदी के बाद आता है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, सागर इसका नाम है बट ये सागर नहीं, क्या है, एक झील है, ठीक है। इसके बाद किससे अलग होता है, एक काकेसस, काकेसस पर्वत श्रृंखला, काकेसस पर्वत, ठीक है। काकेसस पर्वत के बाद हम लोग फिर देखते हैं फिर ब्लैक सागर, काला सागर, काला सागर, ठीक है। काला सागर के बाद एक देश आता है तुर्की, ठीक है। तुर्की कुछ उससे अलग होता है, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग जो देखे हैं यूरोप एशिया से अलग हो रहा है, ठीक है, यूरोप एशिया से अलग हो गया। फिर इसके बाद भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से अलग नहीं होता है, कोई बात नहीं, ठीक है, भूमध्य सागर लेते हैं, इसमें हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि एशिया जो है अफ्रीका से कैसे अलग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख, अब देख रहे होंगे यहाँ पे मिस्र है, मिस्र है, ठीक है। मिस्र में यहाँ पे एक बनाया हुआ है स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज नहर। तो स्वेज नहर जो होता है यूरोप एशिया का अलग करता है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे कि यूरोप और एशिया का अलग करता है, ठीक है। इसमें मिस्र का एक छोटा सा प्रायद्वीप है, मतलब इसका मिस्र अगर है तो मिस्र का जो एक भाग है, ये वाली भाग, ये जाती है हमारा एशिया में, जिसे कहते हैं सिनाई, कहते हैं सिनाई कहते हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें आता है एशिया में, इधर से हमारा ये अफ्रीका में आता है, ठीक है। तो स्वेज नहर हो गया, उसके बाद आता है लाल सागर, लाल सागर, ये अलग हो जाता है, ठीक है। तो एशिया यूरोप से अलग होता है, अफ्रीका से अलग होता है, ठीक है। तो एशिया यूरोप से अलग होता है इन माध्यम से, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत श्रृंखला और काला सागर और तुर्की, ठीक है। और यूरोप तो अलग कर ही रहा है, यूरोप को रूस अलग कर रहा है, ठीक है। रूस, रूस, रूस का जो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ठीक है, रूस ये जो है, ठीक है। तो रूस का इधर पूर्व का जो भाग है इसे कहते हैं हम लोग साइबेरिया, क्या कहते हैं, साइबेरिया, साइबेरिया कहते हैं। और इधर का इसका मास्को जो राजधानी है, इसका मास्को इधर पड़ता है। तो आप यहाँ पे अनुमान लगाइए, यहाँ पे देखिए कि रूस का 70% भाग जो आता है एशिया में आता है, 70%, और 30% भाग जो आता है हमारा यूरोप में आता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एशिया को, अब अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, कि एशिया महाद्वीप, ठीक है, एशिया महाद्वीप में कौन कौन क्या क्या है इनको हम देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखेंगे, चलिए किसी भी मैप को पढ़ने से पहले देखिए, हम लोग को इतना सीधा देखना है एशिया, फिलहाल पूरा वर्ल्ड हम लोग देखना नहीं है अभी, हम लोग को एशिया देखना है, ठीक है, एशिया देखना है। तो एशिया को देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये ऊपर का भाग है, इसे तो हम लोग नॉर्थ कहेंगे, ऊपर का भाग रहेगा उसके हम लोग नॉर्थ कहेंगे, ठीक है। तो नॉर्थ एशिया की बात करें तो नॉर्थ एशिया में रूस पूरा आएगा, नॉर्थ एशिया में पूरा रूस आएगा, ठीक है। आते हैं साउथ एशिया, ठीक है। तो साउथ एशिया में ए है, इतना आएगा ये हमारा साउथ एशिया, साउथ एशिया, ठीक है। तो साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में हमारे यहाँ देखिए, ये आपका यहाँ पे मालदीव है, श्रीलंका है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, ये हमारे आएंगे साउथ में, ठीक है। अब आते हैं ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट में
जो यहाँ के देश हो गए, चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ये हमारे आएंगे ईस्ट में आएंगे। ठीक है, मंगोलिया भी आ जाएगा, मंगोलिया भी आ जाएगा इसी में, ईस्ट में आ जाएगा। ठीक है, बच गया फिर इधर वेस्ट में। ठीक है, वेस्ट में आपका यहाँ जो सऊदी अरेबिया, जो खाड़ी देश हैं, ठीक है, खाड़ी देश तुर्की हो गया, ईरान, इराक किधर हो गए, खाड़ी देश हो गए, ये हमारे जाएंगे वेस्ट में। और आते हैं फिर सेंट्रल में, तो सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं। ठीक है, सेंट्रल एशिया की बात करें, है ना, तो सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं, है ना। कौन कौन से आते हैं? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, 5 देश हैं जो आते हैं हमारे सेंट्रल एशिया में। ठीक है, तो एशिया को हम लोग डिवाइड किए नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल। ठीक है, ध्यान देंगे सेंट्रल एशिया है, बिल्कुल सेंटर में नहीं है, थोड़ा लेफ्ट साइड, ठीक है, मतलब पश्चिम साइड में थोड़ी है। ठीक है, तुम्हारे सेंट्रल में 5 आते हैं, ठीक है, जो तान में आते हैं, तान वाले आते हैं, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, काजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, 5 देश हैं जो आते हैं सेंट्रल एशिया में। ठीक है, इतना सारे हम लोग देख लिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल। इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे, ये सारे हो गए हैं। इसके बाद देखिए कि इतना कुछ बच जा रहा है, इतना से इतना यहाँ पे ये बच जा रहा है। ठीक है, तो साउथ और ईस्ट दोनों के बीच के पार्ट जो बच गया है, इसे हम लोग कहेंगे साउथ ईस्ट एशिया। क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग इसे? साउथ ईस्ट एशिया कहेंगे। ठीक है, देखिए प्रॉपर वे में निकालता हूँ मैं एशिया का मैप। ठीक है, ये है एशिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट हम लोग यहाँ से करते हैं साउथ। ठीक है, अपना जो इंडिया है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, साउथ से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखें, क्या देखें कि साउथ से। ठीक है, तो साउथ में कौन कौन से देश आ रहे थे? यहाँ पे श्रीलंका हो गया, यहाँ पे मालदीव है। ठीक है, हम इसमें मैप में नहीं दिया, मालदीव, ये अपना इंडिया हो गया, पाकिस्तान, पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और आपका बांग्लादेश। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपस में अलग अलग जो होते हैं, आपस में देश जो होते हैं अपना कम्युनिटी का, अपने क्षेत्रीय विस्तार के लिए आपस में ये क्या करते हैं, आपस में सहयोग संगठन बनाते हैं। ठीक है, क्या क्या किया कि इन्होंने साउथ की जितने सारे देश हैं, साउथ में कितने देश हैं? 8 है, 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो 8 देश हैं आपस में मिल के एक, इन्होंने क्या है, कौन देश हैं? साउथ के हैं। कौन से देश हैं? साउथ एशिया। ठीक है, कौन से हैं? साउथ एशिया। ठीक है, तो साउथ एशिया के जो देश हैं आपस में क्या किए हैं, आपस में एक साउथ एशिया आपस में एक क्या बनाया है, एसोसिएशन बनाया है। ठीक है, साउथ एशिया एशियन एसोसिएशन। ठीक है, आपस में क्या बनाया गया, एसोसिएशन बनाया है। क्यों बनाया है? फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, क्षेत्रीय क्षेत्रीय सहायता के लिए। ठीक है, देखिए क्या हो गया, सार्क। ठीक है, बहुत सारे इसमें स्टूडेंट होते हैं कि सार्क का फुल फॉर्म, सार्क का मेंबर कौन कौन देश हैं, है ना, इसके मुख्यालय क्या है। ठीक है, बस रटते रहते हैं, आप मैप से पढ़ें आपको बिल्कुल हमेशा हमेशा याद रहेगा। ठीक है, अब इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है, इसमें हम देखिए, इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है कि सार्क के फुल फॉर्म क्या है। आप यहाँ देखिए, ये क्या है, साउथ एशियन, मतलब साउथ एशिया हम पढ़ रहे हैं, तो साउथ एशियन के लोग एक एसोसिएशन बनाए। क्या बनाए हैं? एसोसिएशन। क्यों बनाए हैं? रीजनल कोऑपरेशन के लिए, क्षेत्रीय संगठन के लिए। ठीक है, तो इसके फुल फॉर्म की बात करें तो
तो अब समझ में आ गया कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, सार्क सार्क है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, साउथ एशियन एसोसिएशन 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 रीजनल कोऑपरेशन कोऑपरेशन ऑपरेशन। ठीक है, आपसी सहयोगी संगठन के लिए, क्षेत्रीय संगठन के लिए आपस में बनाया है। ठीक है, इसमें कितने देश हैं, तो 8 देश हैं। इसमें कितने देश हैं, 8 देश हैं। ठीक है, इसमें कितने देश हैं, इसमें 8 देश हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन से देश हैं, तो आप यहाँ देखिए, ये आपका पहले मालदीव, पहला कौन देश आपका मालदीव, ये मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। टोटल कितने देश हो गए, 8 देश। टोटल कितने हो गए, 8 देश। आपस में सहयोगी संगठन के लिए आपस में क्या बनाया है, एक संगठन बनाया है। ठीक है, आपस में एक संगठन बनाया है। ठीक है, जो एक दूसरे के सहायता के लिए बनाते हैं। ठीक है, आपसी संगठन बनाए। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो सार्क देश हैं, ठीक है, जो ये सार्क देश हैं, इसमें हम लोग देख लिए कि कितने देश हैं, 8 देश हैं। कौन कौन है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान अफगानिस्तान नेपाल, भूटान। ठीक है, इसमें हम लोग देख लिए कौन कौन से देश हैं, हम लोग इसमें देख लिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं सार्क में। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू, कहाँ, नेपाल में, नेपाल में काठमांडू में इसका है ना। और इसकी स्थापना की बात करें, ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें सार्क की, तो इसके मुख्यालय कहाँ पे है, काठमांडू। ठीक है, काठमांडू, काठमांडू कहाँ है, नेपाल में। ठीक है, इसकी जो स्थापना 1985 में हुई थी। ठीक है, इसमें टोटल कितने, 8 देश हैं। ठीक है, 8 देश हैं। ठीक है, हम लोग देख लिए, इसे तो बोलने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आसियान देश। ठीक है, बस आज इतनी करते हैं, फिर नेक्स्ट लेसन देखेंगे।